गाइज, आज जो पियर्सिंग है वो थोड़ा सा प्राइवेट है, तो ये जो पियर्सिंग है ये निप्पल पियर्सिंग है, तो हम मैम के दोनों भी निप्पल पियर्सिंग करने वाले हैं। सो हे गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वैसे टैटूज तो रेगुलरली आप हमारे चैनल पे देखते ही रहते हो, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली पियर्सिंग के लिए है। तो आपने हमारा वर्क बहुत जगह देखा होगा कि कंटिन्यूसली टैटूज चलते ही रहते हैं यहाँ पे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने पियर्सिंग भी यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो राइट साइड पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेली पियर्सिंग होता है, नोज पियर्सिंग होता है, ईयर पियर्सिंग होता है। तो लड़कियाँ यूजुअली ये सारी पियर्सिंग करती है क्योंकि उनको वो ब्यूटी में दिखाने के लिए उनको अच्छा लगता है। लड़के तो यूजुअली बस ईयर का जो रहता है वो वाले पियर्सिंग करते हैं यहाँ पे, बट आज मैं आपको जो पियर्सिंग दिखाने वाली हूँ वो थोड़ा सा हटके है। मैम वैसे स्पेशली झारखंड से आई है, ऑलमोस्ट एक 1800 किलोमीटर दूर, तो इतने दूर से कौन सा पियर्सिंग करने आए हैं तो वो हम आपको जल्दी ही बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गाइज, आज जो पियर्सिंग है वो थोड़ा सा प्राइवेट है, तो हम मैम की आइडेंटिटी नहीं रिवील कर रहे, तो ये जो पियर्सिंग है ये निप्पल पियर्सिंग है, तो हम मैम के दोनों भी निप्पल पियर्सिंग करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सीजर है, ये जो फोर्सेप्स रहते हैं, फिर ये जो स्टड्स है ये जो यूज़ करने वाली हूँ, ईयरबड्स क्लीनिंग के लिए लगते हैं, ये जो दो नॉर्मल गेज रहते हैं 16 गेज के दो नीडल्स हैं तो वो है, ये दोनों अल्कोहल स्वैब्स है, वहाँ पे मेरे ग्लव्स है, और ये जो है वो एक लाइडोकाइन का स्प्रे है क्योंकि सेंसिटिव एरिया रहता है, तो वो स्प्रे करने से वहाँ पे थोड़ा सा जो आप ये बोल सकते हो कि एनेस्थेसिया का इफेक्ट, मतलब नम पड़ जाता है वो, तो उस वजह से ये हम यूज करते हैं। तो इसमें 10% का रहता है, तो आपको जरा सा विदाउट एनी पेन ये होगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं, पहले तो मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। सो फर्स्ट हम लेफ्ट वाला करेंगे, फिर यहाँ पे राइट वाला, मतलब मेरे लेफ्ट का है, मैम के वैसे वो राइट का ही है, तो पहले वो स्टार्ट करते हैं। सो अभी ये जो है यहाँ पे मैं अभी एक सेंटर लेने वाली हूँ, तो ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, तो ये लाइन के अपने को इसके पीछे से डालना है और यहाँ से उसको ये करना है, तो इसको मैं पहले अच्छे से ऐसे प्लेस करूँगी ये मोशन में। मैम कंफर्टेबल? पेन है हल्का? ओके। डोंट वरी, कुछ नहीं दुखेगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा ऊपर देखो, आप देखोगे तो डरोगे। ऊपर देखो, ऊपर देखो, कुछ नहीं होगा ना, पत्ती के लिए करना पड़ता है। हो गया हो गया हो गया हो गया। थिलो में, थिलो में, थिलो में। ज़्यादा ज़्यादा नहीं। मैम क्या क्या करना पड़ता है लड़कों के लिए? हो गया, बस अभी स्टार्ट डालना है अपने को। सो अभी यहाँ पे एक्चुअली बहुत हार्ड स्किन है वो, तो उसकी वजह से ना फटाक से नीडल पियर्सिंग नहीं हो रही थी। ओके मैम, रेडी? लास्ट पेन होगा, ठीक है? हो गया हो गया हो गया। देखो कुछ भी ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल। अभी दुख रहा? अभी नहीं ना, बस वो प्रिक के टाइम। सो अभी फर्स्ट तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। एक्चुअली ये जो आप स्किन देख सकते हो ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड स्किन होता है, तो अंदर जो वो टिश्यूज रहते हैं ना वो थोड़े से हार्ड रहते हैं, तो उसकी वजह से वो जो नीडल है ना वो फटाक से नहीं जाती है। बाकी कोई भी पियर्सिंग रहे तो सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं, नीडल फटाक एकदम, मतलब हार्डली 2 सेकंड्स लगते हैं कि नीडल पास ऑन हो जाती है, बट यहाँ पे ये जो देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, तो इसकी वजह से ना वो नीडल पास नहीं हो रही थी, तो वो थोड़ा सा उनको पेनफुल था, बट बाकी उस स्प्रे ने काम किया था तो मैम को उतना वो सहन हो गया। तो अभी सेकंड वाला हम स्टार्ट करते हैं, सेम अपने को वापस सेम पोजीशनिंग करना है, तो यही है वापस, ना ज़्यादा पीछे जाना है ना ज़्यादा आगे लेना है, तो ना ज़्यादा हमें पीछे जाना है ना ज़्यादा आगे लेना है, तो ये प्रॉपरली बीच के दोनों के सेंटर में ले रही हूँ मैं, और इस से भी सेम डिस्टेंस। ओके
कि नहीं तो तो ये ना पीछे बहुत ज्यादा ना ज्यादा ज्यादा आगे भी लिया तो वो कभी कभी निकलने का चांसेस ज्यादा रहता है क्योंकि डायरेक्टली वो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे निकलेगा तो वहां पे उनको इंजरी होगा. सो एकदम एग्जैक्टली जो सेंटर पार्ट है तो मैं वहां पे ले रही हूँ सो दैट वो इजीली जाए भी और ये भी. तो वापस हमें अभी इसमें मैं लॉक्स लगा रही हूँ. सो मैम रेडी? ओके 1 2 3 स्टार्ट. मैम 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 मूव करोगे ना? ये हाथ निकालो. हो गया डन. फूक मार लो तुम यहाँ ले ऊपर. बॉयफ्रेंड आके मार कर रहे हो. डैम इसे तोड़ दूँ इसे शिर. ये देखा ये प्रॉपर हो गया. अभी बस अपने को स्टड डालना है. सेम तो ये इसका स्टड है. इसको मैंने वापस प्रॉपरली अल्कोहल स्वैप से स्टरलाइज किया था तो आगे जाके इसको कुछ इन्फेक्शन ना हो. एंड सेम प्रोसीजर थोड़ा सा इसको पीछे लेके. पेन है मैम? हाँ यार मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है अभी. उसने जब बोला नीचे आके मैंने बोला ये बहुत स्ट्रांग है. ये कुछ भी नहीं लग रहा अभी. चलो रेडी? अभी तो आज दर्द लगा ना. हाँ ये स्टड जाते टाइम पे थोड़ा दुख. वैसे भी स्टड थोड़ा वो इससे छोटा ही होता है तो वो इतना नहीं दुखना चाहिए उसको. हो गया हो गया हो गया. हिलो मत हिलो मत. फक 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 वाह भाई आ गया आ गया आ गया. स्ट्रांग है भाई तू. भाई मानना पड़ेगा सबका अलग टीम. और ये अभी ये स्टड लगा रही सो ये भी जाएगा इसमें. किसी का बोलेगी मेरे को देखना है मेरे को देखना है तो देख फिट करने ना अभी. वैसे भी इसको सेंटर में लेंगे. जरा सोड सब सोड रिलैक्स सोड. परफेक्ट. सो भी निपल पियर्सिंग होने के बाद में तो मैम बहुत एक्साइटेड थे एंड शी वाज वेरी कंफर्टेबल तो वो बोली कि बेली पियर्सिंग भी कर देते हैं. यूजुअली ये जो रहता है ये बहुत ट्रेंडिंग में चलता है तो इसको बोलते हैं हम डायमंड वाला स्टड. तो इसमें भी शेप्स होते हैं. यहाँ पे स्टार का शेप का है और हार्ट शेप में रहेगा. फिर ये जो है ये बेसिक है कि जिसमें नॉर्मल अपना ऐसे डायमंड रहता है तो ये भी बहुत प्यारा दिखता है. तो अभी मैम का हमने एक स्टड फाइनल किया है तो ये क्यूट एकदम ग्रीन कलर है. एमराल्ड कलर रहता है ना वैसा कलर है. तो ये हम बेली के लिए उनके यूज़ करेंगे. तो ये अभी स्टार्ट करते हैं. तो इसका सेम प्रिपरेशन है. मुझे वापस मेरे ग्लव्स वापस मैंने चेंज करी है ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल करी है थी. तो अभी ये अभी रखते हैं साइड में और फिर ग्लव्स वापस सेम सेटिंग. मैम का पूरा जो ये बेली का एरिया है वो पूरा क्लीन करेंगे एंड फिर वो स्टार्ट करते हैं. तो अभी बेली के टाइम पे है ना कभी भी मुझे ये पैंट थोड़ा सा लूज करना पड़ता है क्योंकि अगर ये पैंट बहुत ज्यादा टाइट रहेगा ना तो ये प्रेशर पूरा उल्टा के फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है. तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा लूज ही रखती हूँ हमेशा. तो अभी पहले ये पूरा जो पोर्शन है ये पहले क्लीन कर लेते हैं. ये अल्कोहल स्वैब है तो इससे ये पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे. अभी ये सेंटर ले लेती हूँ पहले. तो बॉडी का सेंटर यूजुअली ये जो स्क्वीज करके जो सेंटर लाइन आ जाता है तो ये रहता है. मैम स्ट्रेट रुको एकदम पूरा. नहीं 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 एकदम मेरे लिए सेंटर. तो ये ऐसे प्रॉपर ये स्क्वीज किया. ये जो दिख रहा है आपको लाइन तो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर ये सेंटर. अरे बाहर आ गया थी हाँ कारण ते वरच हे स्किन बाहेर आहे ना तिचं म्हणून मी थोडस थांबले प्रेस करायला. ऊपर के सामने अभी ये कुछ नहीं लग रहा होगा ना. ये तो नॉर्मल लग रहा होगा. ठीक है डालो घर. 1 2 3 और ये ऊपर वाला स्टड इसमें भी एक डायमंड है वो तो अब दोनों चमकेगा अभी. और क्या करना है तुमको पियर्सिंग? हाउस पूर में जाती थी जी. एंड इट्स डन. अभी वापस अल्कोहल सब लेते हैं. ये जो पेन का मार के ये क्लीन कर देती हूँ. पेन हुआ मैम? थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्यों नहीं डाला पेन? नहीं मैम अब लात नाजुक है.
क्रिसमस पर। सो फाइनली क्लीन वगैरह करके हो गया, तो अभी 7 डेज जब तक हीलिंग हो रहा है इसको अपने को ऊपर ही रखना पड़ता है, और इसको अगर आप मोमेंट करते रहोगे अच्छे से तो ये अच्छे से हील हो जाता है, अदरवाइज आप ऐसे ही रखोगे ना तो ये सूज जाता है, फिर कभी कभी किसी का बाहर आ जाता है, तो वो बस अपने को नहीं करना। और क्लीनिंग के टाइम पे भी बस ऊपर और नीचे अच्छे से क्लीन करो। तो अभी सारे पियर्सिंग डन हो गए, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा वो जल्दी कमेंट में बता देना। सो गाइज फाइनली पियर्सिंग कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे भी सारे टैटूज कंप्लीट हो गए, वैसे एक दो टैटूज बाकी है फिलहाल वो वाले, तो वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग घर जाएंगे। वैसे फिलहाल इसको पूछते हैं कि पियर्सिंग कैसा लगा तुझे। मेरे लिए तो सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि लाखों लोगों में से बहुत, मतलब 2% लोग बस ये, लाखों नहीं यार करोड़ों, हजबू तो लाखों तो बहुत कम बोला तुमने नंबर, लेकिन करोड़ों में से आई गेस वो भी 1 या 2 या 10 बोल सकता, क्योंकि सब शौकीन नहीं रहते, बहुत कम लोग शौकीन रहते हैं तो वही लोग बनाते हैं। और कुछ बोलना है? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने दिनों बाद ये वाला पियर्सिंग करने मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत शाय रहते कि ये करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बट फाइनली आज हुआ एंड बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ना उनको ज्यादा पेन हुआ ना ज्यादा ब्लीडिंग, तो 0% था, तो वो क्लाइंट बहुत ज्यादा ही खुश थी, इतने दूर से आके जो भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखे थे वो प्रॉपरली हो गए। बाकी गाइस बताना चाहता हूँ, वीडियो का डिस्क्लेमर में क्लियर बात करता हूँ, देखो अभी सबकी पर्सनल लाइफ होती है हर एक क्लाइंट की, मेरे यहाँ पे इससे भी भयंकर क्लाइंट आते हैं जो टाटू भी बनाते हैं, कोई अलग पार्ट में भी बनाते हैं, कोई पर्सनल पार्ट में बनाते हैं, मतलब अभी समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ऐसे भी लोग होते, तो पियर्सिंग में भी वही है, मतलब देखो पियर्सिंग में भी प्राइवेट पियर्सिंग वगैरह किसी किसी को पसंद आता है, शी इज अ मॉडल तो उसको उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको सूट होता होगा, शायद उसको पसंद है, उसका भी कोई फैंटेसी रहेगा कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, तो उसने वो किया। मुझे ये पता है कि आप लोग भी सोचते होंगे, कमेंट करते होंगे कि कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते, सबकी पर्सनल लाइफ है, आप भी जो कमेंट करें आप भी तो किसी के बारे में बोलने से अच्छा आप भी थोड़ा सोचो, मतलब हम लोग कई और देखते हैं उससे अच्छा यहाँ पे जो तो इंटरनेशनली जो होता है ना वो वहां पे कैसा ओपनली होता है, मतलब कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट शो करते पार्ट वगैरह, बट इंडिया में थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन अलग है, और यूट्यूब के रिलेटेड या कोई भी सोशल मीडिया के रिलेटेड थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन अलग है, तो इसकी वजह से हम लोग जितना हो सके उतना ब्लर किया, जितना हो सके उतना प्रॉपर, जितना मतलब कट टू कट दिखाया कि ये पियर्सिंग इतना स्टार्ट, आधा लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी, बाकी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यार उस अंदर हम लोगों ने प्राइवेट रूम में किया था, ये देखो ये कितना बड़ा शॉप है, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया, प्राइवेट रूम में हम लोगों ने वो पियर्सिंग किया, इसकी वजह थोड़ा सा अंधेरा भी लगा होगा, पर ठीक है। बाकी अच्छा लगा पियर्सिंग तो कमेंट में जरूर बताने कैसा लगा, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और जो लोगों को ये वीडियो एंड तक लोगों ने देखा है यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, और कमेंट में कैसा लगा ये भी जरूर बताना। सो लव यू गाइस।